चलिए कुछ मीठा बनाते हैं आपके लिए, और जो मीठा है नारियल के साथ में बनाएंगे। तो देखिए नारियल के साथ में श्री गणेश होता है, और जो नारियल का पेड़ है कल्प वृक्ष भी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, तो नारियल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब नारियल का पेड़ जो है पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है, तो कच्चा चाहे टेंडर नारियल हो, या उसका पानी हो, या नारियल हो तेल हो, या उससे फिर रस्सी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आइसक्रीम क्यों नहीं बन सकती, वही आइसक्रीम बन सकती है, लेकिन आइसक्रीम जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से बना सकें। तो ये वनीला आइसक्रीम जो है मेरे पास, और वनीला आइसक्रीम कौन सी वाली लेनी चाहिए, अच्छी वाली लेनी चाहिए, और कौन सी लेनी चाहिए, तो ये ले लिया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मिक्स करनी है, और हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं कोकोनट आइसक्रीम, कोकोनट और नींबू की आइसक्रीम, कोकोनट और नींबू की आइसक्रीम। तो कोकोनट और नींबू की आइसक्रीम बनाने के लिए वनीला आइसक्रीम तो ले ली, अब इसके अंदर जरा नींबू जो है ना वो उसका छिलका, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। देखिए छिलके जो हैं वो भी कमाल के कैसे हो सकते हैं, अगर उसका जो छिलका है उसे एकदम बारीक काटा जाए, बहुत बड़ा नहीं, इतना लंबा जैसे आप देख रहे हैं वैसे नहीं। अब देखिए, अब मैं इसको एकदम छोटा छोटा कैसे काट रहा हूँ, ये नींबू का छिलका बारीक कटा हुआ, नींबू का रस, नींबू का रस। अब आइसक्रीम में कोई नींबू डालता है क्या, मैं डालता हूँ, आप भी डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट। और फिर ये हमारे पास है कुछ, ये एक्चुअली दोनों कोकोनट है, और ये कौन सा कोकोनट है ये मैं आपको बताता हूँ, ये है डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा हुआ नारियल ये इसके अंदर, और ये है हमारे पास कोकोनट मिल्क पाउडर। देखिए मिल्क पाउडर जैसे मिलता है ना नॉर्मल दूध का पाउडर, ऐसे ही कोकोनट का मिल्क पाउडर भी मिलता है। नारियल का जो फ्लेवर है वो बढ़िया आए, थोड़ा ज़्यादा आए, उसके लिए ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया नींबू कोकोनट, और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अब देखिए, अब इसमें नारियल ही नारियल भरपूर, तो इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो ये जो है कंडेंस्ड मिल्क काफ़ी मीठा होता है, और कंडेंस मिल्क डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क डाला, इसको मिक्स कर लिया। अब ये आइसक्रीम जो है ऐसे लग रहा है ना पूरी हमने बनाई है, अब इसके अंदर मिठास जो है वो चेक करनी है मुझे। परफेक्ट, वाह बहुत ही बढ़िया हो गई, फैंटास्टिक। अब इसे जमाने के लिए इसके अंदर हम जमाएंगे। इसमें आइसक्रीम कैसे रखेंगे, मैजिक शो है, कुकिंग शो नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये लिया, ये बना दिया इससे, और ये सिलिकॉन का है इसलिए इसको आप फ्रीजर के अंदर भी रख सकते हैं, और ढक्कन इसके अंदर है तो आराम से बढ़िया से रहेगा, ये क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और ये हमने ले ली आइसक्रीम, इसको चाहे तो कुल्फी मोल्ड के अंदर भी डाल सकते हैं, और ये लेकर फ्रीजर के अंदर इसे तब तक जमने दीजिए जब तक ये जम ना जाए। चलिए ये इसको रख देते हैं फ्रीजर के अंदर। हमारा जो फ्रीजर है बड़ा ज़बरदस्त है, फटाफट जम जाती है जो भी चीज़ इसके अंदर रखते हैं, मैजिक जैसे, मतलब कि आपने पलक झपकी और आइसक्रीम तैयार। कोकोनट लेमन आइसक्रीम बनाने के लिए आधा पैकेट वनीला आइसक्रीम, 200 ग्राम कोकोनट मिल्क पाउडर, 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा नींबू का छिलका, 1/4 कप नींबू का रस, और 200 ग्राम मीठा कंडेंस्ड मिल्क। कोकोनट लेमन आइसक्रीम बनाने के लिए आइसक्रीम एक बोल में डाले, उसमें नींबू का छिलका, नींबू का रस, डेसिकेटेड कोकोनट और कोकोनट मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला ले। अब कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिलाए, सिलिकॉन मोल्ड में डाले, ढककर फ्रीजर में जमने के लिए रखे, फिर स्कूप निकालकर परोसे।